हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? नमस्ते वर्धन समस्ते। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ हमारे फ्री फायर में आने वाले काफी सारे नई इमोट्स, जिनको आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा पहले, क्योंकि ये सभी नई इमोट्स हैं। ठीक है, मैं भी सबसे पहली बार ही इसको देखा। आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को भी वो सारे इमोट्स दिखाने वाला हूँ। कसम से बोल रहा हूँ, काफी मस्त मस्त इमोट्स है। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं गेम में आने वाला नेक्स्ट गोल्ड वाले बंडल के बारे में। बंडल भी काफी ज्यादा मस्त है, लेकिन सारे चीजों के बारे में जानने के लिए, इमोट्स भी देखने के लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक देख लेना। चलिए फिर बिना किसी देरी किए, बिना किसी वक्त में बर्बाद किए, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो एंड शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। दोस्तों, जैसे कि वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था, मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ गेम में आने वाले सभी के सभी नए इमोट। तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर जिस इमोट को आप लोग देख रहे हो, इसका नाम है सन बाथिंग। सभी लोगों को आप लोगों ने देखा होगा बीच में जाकर के लेट जाते हैं, ठीक है, तो ये उसी का ही पोज है। आप लोग यहाँ पे उसका एक फोटो भी देख सकते हो, तो समझ ही सकते हो ये किस टाइप का इमोट आप लोगों के लिए रहने वाला है। ये वाला इमोट तो आप लोगों ने देख ही लिया। बढ़ते वीडियो के अंदर आगे, और एक इमोट मैं आप लोगों को अभी दिखाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है जिग जैगर इमोट। हो सकता है एक इमोट हो या फिर ऐसा हो सकता है कि एक प्रोफाइल एनिमेशन हो, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। ये आप लोग देख भी सकते हो, थोड़ा बहुत ये आप लोगों को प्रोफाइल एनिमेशन का फील दिलाता भी है, ठीक है। हाँ गाइस, इत्तेफाक नहीं है, नीचे लिखा भी हुआ है कि ये प्रोफाइल एनिमेशन ही है। जिस चीज का हम लोग डाउट कर रहे थे, ये तो वही है। बाकी बढ़ते हैं वीडियो के अंदर आगे, और एक प्रोफाइल एनिमेशन को भी आप लोग देख सकते हो। इसका नाम है स्पॉटलाइट ग्रूवर, और ये भी एक प्रोफाइल एनिमेशन ही है। बाकी ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दो तीन प्रोफाइल एनिमेशन तो दिखाई दूंगा, जिनमें से बेस्ट आप लोगों को कौन सा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर बता दीजिएगा। तो फर्स्ट दिखाया था, ये सेकंड वाला था, अभी थर्ड वाला भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। खैर, ये कोई प्रोफाइल एनिमेशन नहीं, ये बस एक नॉर्मल से इमोट होने वाले, जिसका नाम है लाउडर प्लीज। कैरेक्टर को अभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये अभी बोल रहा है कि थोड़ा जोर बोलो, थोड़ा लाउड बोलो, ठीक है, ऐसा करके ये बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। बाकी ये भी एक इमोट है, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट ओबी अपडेट को गेम में देखने के लिए मिल जाएगा भी बड़े आराम से। दोस्तों, अभी मैं जो न्यूज आप लोगों को देने जा रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, और हो सकता है कि इस वाले न्यूज को आप लोगों ने पहले भी सुन रखा हो, लेकिन फिर भी क्योंकि ये गुड न्यूज है, तो जितना ज्यादा ये न्यूज फैलेगा उतना ज्यादा हम सभी के लिए सही होगा। न्यूज कुछ इस प्रकार से निकल के आ रहा है कि सभी के सभी स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए, स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स का सही से ग्रोथ होने के लिए बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम सभी को एक खुशखबरी मिल सकते हैं, अगर इंडियन गवर्नमेंट फ्री फायर जैसे बड़े गेम को देश के अंदर अनबैन नहीं करेंगे, तो ये स्पोर्ट्स वगैरह जितने भी सारे मसाले हैं, ये सभी तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बोला जा रहा है कि अभी फ्री फायर बहुत जल्दी आप लोगों को रिटर्न में देखने के लिए मिल सकता है। नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा, कहना इस राज्य को अभिशाप से मुक्त करने के लिए राजमाता शिवगामी देवी का पौत्र अमरेंद्र बाहुबली का वंशज महेंद्र बाहुबली अब लौट आया है। दोस्तों, सर्दी का मौसम आ गया है, और इस मौसम में कहीं कहीं जगहों पे तो बर्फ भी गिरता है। बिल्कुल उसी तरीके से फ्री फायर के अंदर भी काफी सालों पहले आप लोगों को बर्फ देखने के लिए मिला था, पर इस बार भी आप लोगों को अगेन आइस देखने के लिए मिलने वाला है। नॉर्मल मैप्स के अंदर ये आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन 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 लोन वुल्फ मोड के अंदर आप लोगों को बहुत जल्दी ये बर्फ देखने के लिए मिल जाएंगे। ये कौन सा मोड है, इसके बारे में मेरे को ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है शायद से, क्योंकि सीएस रैंक के बाद मेरे को लगता है कि लोन वुल्फ ही आजकल ज्यादातर लोग खेलते हैं। बाकी आप लोगों ने कभी लोन वुल्फ मोड खेला या फिर नहीं खेला, लोन वुल्फ या फिर सीएस रैंक, किसको आप लोग वोट करोगे, कौन सा मोड सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। और अभी हम लोग वापस से बात करने जा रहे हैं उसी वेपन के बारे में, उसी गन के बारे में, जो कि काफी ज्यादा यूनिक सा है, और बहुत जल्दी गरेना फ्री फायर की तरफ से आप लोगों को गेम के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगा। दरअसल हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रोजन के बारे में, अभी ट्रोजन के बारे में आज बातें नहीं करेंगे, क्योंकि बातें तो बहुत टाइम से हम लोग कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को इसको चला के दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोग इसका शॉटगन वाला मोड को देख सकते हो। अब मैंने इसे ग्रेनेड लॉन्चर वाले मोड के ऊपर डाल दिया, तो आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे ग्रेनेड लॉन्चर कितना सही से वर्क कर रहा है। अगर ग्रेनेड वाले एक चीज सही कर देंगे ना, तो काफी ज्यादा मजा सही आ जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को ग्रेनेड लॉन्चर का कोई और एमओ ऐड नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर शॉटगन वाली एमओ से ही ग्रेनेड लॉन्चर चल जाएगा तो मजा ही आ जाएंगे। लेकिन ऐसा ही होगा जैसे हम लोग चाहते हैं, या फिर ग्रेनेड वालों की तरफ से वही सीन कर दिया जाएगा कि शॉटगन के लिए आप लोगों को अलग एमओ यूज करना पड़ेगा एसजी एमओ, और लॉन्चर के लिए हम लोगों को अलग ही एमओ यूज करना पड़ेगा। खैर, ये वाला गन अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा यूनिकनेस क्रिएट करता है, पर फिर भी अगर ये चीज होता तो काफी ज्यादा मजा ही आ जाता। सही बात है, सही पकड़े हैं।
डायमंड वाले, वेपन वाले, इन सभी को लेने के लिए आप लोग को वाउचर्स की जरूरत पड़ता है, या फिर आप लोग डायमंड्स को ही यूज करके ये सारी चीजें ले सकते हो। लेकिन वाउचर से ही ज्यादातर लोग खरीदते हैं। ऐसे वाउचर्स भी आप लोगों के पास लिमिटेड ही होते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट के अंदर कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 30, 40, 50, 100। लेकिन किसी को भी पूछ लीजिए, उसके अकाउंट के अंदर 200-300 से ज्यादा गोल्ड वाले वाउचर्स पड़े होंगे। उन्हीं गोल्ड वाले वाउचर्स को आप लोग यूज कहां पे करोगे, वीडियो के अंदर आगे हम लोग इसी के बारे में ही बात करने वाले। जी हां दोस्तों, गेम में आने वाला नेक्स्ट गोल्ड वाले बंडल बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है। वीडियो उसी टॉपिक पे है, तो यार वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को नेक्स्ट गोल्ड वाले बंडल तो दिखाई दूंगा, लेकिन उससे पहले यहां तक आप लोगों ने वीडियो को देखा, अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड वाला बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे डाल देना, अगर आप लोग ऐसे वीडियोस हमारे चैनल के अंदर से रोज देखना चाहते हो तो। बढ़ते हैं वीडियो के अंदर आगे। फाइनली अभी हम लोग बात करने वाले गेम में आने वाला नेक्स्ट गोल्ड वाले बंडल के बारे में। आप सभी को कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिल सकता है गाइस। बंडल आप लोगों को सचमुच कैसा लगा कमेंट करके एक बार जरूर बताएगा। मुझे तो ये बंडल काफी ज्यादा ठीक ठाक सा ही लगा, मतलब उतना भी ज्यादा बुरा हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं, और बहुत ज्यादा अच्छा भी हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, अच्छा है, थोड़ा बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड ये बंडल अगर गोल्ड वाले के अंदर आता है तो मजा ही आ जाएगा। बाकी इस वाले बंडल को ना उस वाले बंडल के साथ आप लोग मिलाकर कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि ये वाला बंडल आप लोगों के रैंक टोकन वाले स्टोर के अंदर आने वाला है नेक्स्ट एंड सीजन के ऊपर, ठीक है। तो दोनों ही बंडल काफी ज्यादा मस्त है, ये तो आप लोगों को देखने के बाद ही पता चल चुका होगा। मैं इनके बारे में ज्यादा क्या ही बात करूं। बंडल्स के बारे में बातचीत करना हम लोग अभी बंद करने वाले हैं, और अभी हम लोग बात करने वाले हैं टुनाइट अपडेट के बारे में, क्योंकि टुनाइट अपडेट को भी देखने के लिए आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हो। और आज रात के 12 बजे के बाद जो अपडेट आने वाला है उससे आप लोग को एक नहीं बल्कि दो फ्री रिवर्स मिलने वाले हैं। मैं नहीं मानता, मानना पड़ेगा। अभी और कोई होता तो समझ में आता, लेकिन भाव ने बोल दिया, मतलब भाव ने बोल दिया, मानना ही पड़ेगा। You are right, bro. ठीक है, मतलब यहीं पे हम लोग मीम बाजी को रहने देते हैं और सीधा सीधा बताते हैं कि आज का टुनाइट अपडेट के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। तो कल क्या है, 6 तारीख है भाई, और 6 तारीख के ऊपर यहाँ पे आप लोग मिशन देख सकते हो। किल करने पर आप लोगों को पैन का स्किन भी फ्री में मिल जाएगा और कॉर्न भी फ्री में मिल जाएगा। दोस्तों यही है आपका टुनाइट अपडेट, उम्मीद है कि ये टुनाइट अपडेट आप लोगों को पसंद आया होगा, और उम्मीद है पूरा वीडियो आप सभी लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। लेकिन आप लोगों को और भी ज्यादा अच्छा लगेगा जब आप लोग मिस्ट्री शॉप के बारे में जान पाओगे और आने वाला मिस्ट्री शॉप का कंफर्म डेट बारे में जान पाओगे। लेकिन ये सारी जानकारी आप लोगों को देगा कौन, अरे मैं हूं ना। राइट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए। जी हां दोस्तों, अभी वीडियो के अंदर आप लोगों को राइट में एक लिंक आ जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो फिर आप लोगों को नेक्स्ट मिस्ट्री शॉप के बारे में, नेक्स्ट मिस्ट्री शॉप का कंफर्म डेट के बारे में सभी जानकारी मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी किए, बिना किसी शरमाए या फिर हिचकिचाए आप लोग राइट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। हम लोग बाकी बात करते हैं बाद में। मैं बोलता हूं आप सभी से किसी ने कोई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे करते रहो, हमने सारे एनिमीज को मारते रहो, बाय। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ।